सो so, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक पोस्ट है एस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल इस पोस्ट के लिए सैलरी आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको सैलरी को लेकर के जो भी आपके मन में क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएंगे कितना आपको अलाउंसेस मिलता है कितना परसेंटेज मिलता है इनहैंड सैलरी आपको कितनी मिलती है कितना आपकी सैलरी में से माइनस किया जाता है यानी कट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि आपको आपकी नौकरी के बाद दिया जाता है सारे आपको स्टेप बाय स्टेप इनहेंड अगर आपने अभी क्योंकि अभी सीआरपीएफ एस की वैकेंसीज रनिंग है लास्ट डेट थर्टी फर्स्ट है ट्वेल्थ पास अप्लाई कर सकते हैं एंड गुड न्यूज़ है सभी कैंडिडेट के लिए क्योंकि इस साल एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए वैसे इसकी जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल है लेकिन इस बार 18 से 25 की जगह 28 कर दी गई है सो so, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के अगर आप फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो विजिट कर रहे हैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं ब्रीफली आपको बता रही हूँ ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के लिए इस साल एज रिलैक्सेशन है नेक्स्ट ईयर नहीं होगा सिर्फ इसी साल के लिए ये रिलैक्सेशन है क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसीज आई हुई हैं सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है अगर अप्लाई नहीं किया है जनरल कैंडिडेट हैं अट्ठाइस एज के अंदर अगर आप आते हैं तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा काफी अच्छी पोस्ट है और आप सबको ऑफिस वर्क इसमें करना होता है ओके सो so, सैलरी को लेकर के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और सैलरी के बारे में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी और आशा रखती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड इसको शेयर कीजिएगा सलिए करते हैं सीआरपीएफ ASM पोस्ट के लिए सैलरी देखेंगे किस लेवल से रहती है तो CRPF ASM पोस्ट पर सैलरी लेवल से मिलती है. अब अगर हम बात करें पे की, तो के लिए है पच्चीस हजार पाँच सौ, ये बेसिक पे रहेगा अब इसके बाद डीए लगता है इसमें तो जो डीए रहता है ये थर्टी एट परसेंट होता है बेसिक पे का जैसे बेसिक पे पच्चीस हजार पाँच सौ है इसका 38 परसेंट अगर हम निकालेंगे तो नौ हजार सौ नब्बे ये आपका डी लग जाएगा इसमें अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो डीए थर्टी परसेंट चल रहा है आपका बेसिक पे का 38 परसेंट जब आप निकालेंगे तो पच्चीस हजार सौ का 38 एट परसेंट नौ हजार छः सौ नब्बे रुपए आपका ये डी बनेगा ये जो डी है वो हर तीन महीने में बढ़ता है इसी तरह से वेशक पे भी हर साल साल के जुलाई मंथ में तीन परसेंट बढ़ जाता है वेशक पे ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे राशन मनी की तो आपको राशन मनी भी मिलेगी इस एक सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पर डे वन हंड्रेड महीने का 3840 ये थर्टी डेज मंथ जो रहता है उसका है थर्टी फर्स्ट यानी इकतीस महीना के लिए आपको एक ज्यादा मिलेगा सो राशन मनी हुई तीन हजार इसके बाद हेयर कटिंग के लिए एंड सब अलाउंस आपको मिलता है 45 -45 पर मंथ साथ में मिलता है आपको टी -पी -टी। टी -पी -टी आपको मिलेगा इसमें अब देखिए ये जो टी -पी -टी है ये सिटी के हिसाब से मिलता है आपने देखा है सिटी के क्लास के हिसाब से ए क्लास बी क्लास सी एक्स वाई जो डिवाइड की जाती हैं सिटीज़ उस हिसाब से मिलता है अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो अठारह सो से स्टार्टिंग रहती है टीपीटी -टी आपको अट्ठारह सो मिल जाएगा प्लस डीए का परसेंट आपका उसमें रहेगा टीपीटी पर आपका डीए जितना परसेंट चल रहा है वो आपको निकालना होगा यानी कि 1800 तो आपको मिलेगा ही प्लस डीए कितना परसेंट चल रहा है 38 परसेंट तो टीपीटी यानी 1800 का 38 परसेंट जब आप निकालेंगे तो दो हजार चार सौ चौरासी रुपए ये आपको टीपीटी मिलेगा ये नॉर्मल हम बात कर रहे हैं अब एक क्लास सिटी है तो उसमें आपको ज्यादा मिल सकता है यानी छत्तीस सौ तक आपको मिल जाता है ओके सो so, यहाँ पर बेसिक पे पच्चीस हजार 9,690, सौ डी ए नौ हजार सौ नब्बे राशन मनी तीन हजार आठ सौ चालीस नब्बे रुपए आपके कटिंग एंड शॉप अलाउंस और टीपीटी दो हजार चार सौ चौरासी टोटल आपकी जो सैलरी बनती है वो है इकतालीस हजार सौ चार ये आपकी स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी रहेगी आप भर्ती होंगे उस टाइम आपकी ये सैलरी रहेगी इकतालीस हजार छः सौ चार आपकी सैलरी रहेगी अब यहाँ पर हमने अलाउंसेस देख लिए सब कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे रहते हैं ये हमने पर मंथ वाले अलाउंस देखे हैं कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो आपको पर मंथ नहीं साल में एक बार मिलता है और कुछ आपके जैसे कि हार्ड एरिया में जब आप सर्विस देते हैं तो वहां पर आपको हार्ड एरिया के हिसाब से दिया जाता है हमने यहाँ पर देखा है अगर आप जी में पोस्टेड होते हैं पर मंथ जो आपको आपकी सैलरी हैंड आपको मिलती है उस हिसाब से लेकिन अभी आपको हैंड नहीं मिलेगी इसमें भी कुछ माइनस होते हैं अभी आपको ये अलाउंसेस मिल गए अब सरकार कुछ इसमें से माइनस करती है जो आपको आपकी नौकरी के बाद में मिल जाता है सो आपकी सैलरी तो टोटल हो गई इकतालीस हजार छह सौ चार यानी फोर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर ये आपकी सैलरी हो गई अब इसमें से कौन कौन से माइनस होंगे अब हम वो देखेंगे अब इसमें आपका पहले तो रिस्क अलाउंस कटता है पाँच सौ पर मंथ रिस्क अलाउंस कटेगा सी जी एच एस ये हेल्थ से रिलेटेड है और ये आपके तीस रुपये पर मंथ कटेगा इसके बाद है डी सी पी एस ये बेसिक पे का प्लस डी ए का टेन परसेंट है इसको आप समझ लीजिए जैसे बेसिक पे आपका है पच्चीस हजार पाँच सौ प्लस नौ हज़ार छः सौ नब्बे आपका डी ए है तो इन दोनों का प्लस हुआ पैंतीस हजार एक सौ नब्बे अब पैंतीस हजार एक सौ नब्बे का दस परसेंट जब हम निकालेंगे तो तीन हजार है सौ उन्नीस रुपए ये सौ उन्नीस सैलरी से माइनस होता है सो ये सारे भी आपके जो आपकी सैलरी टोटल सैलरी हमने निकाली थी इकतालीस हजार सौ चार अब इकतालीस हजार सौ चार में से आपका रिस्क अलाउंस भी कटता है 500 सौ रुपए पर मंथ कटेगा एंड तीन हजार सौ अब इस आपकी जो सैलरी है माइनस होकर के वो हुई आपकी सैतीस हजार पांच सौ पचपन रुपए सैतीस हजार पांच सौ पचपन ये आपकी सैलरी है इन हैंड सैलरी है ये ये आपकी इन हैंड सैलरी है अगर आप सीआरपीएफ में एस सी एम पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपकी टोटल सैलरी जो भी अलाउंसेस हैं सब कुछ और जो भी कटेगा सब कुछ क्लियर करने के बाद इनिशियल आपकी जो सैलरी आपके हाथ में आएगी पर मंथ वो रहेगी सैंतीस हजार सौ पचपन अब ये तो हो गए हमारे पर मंथ के अब कुछ अलाउंसेस आपको ईयरली मिलते हैं जैसे कि हर साल आपको यूनिफॉर्म अलाउंस यानी वर्दी के लिए दस हजार हर साल ये आपको दिए जाते हैं इसके अलावा अगर आप हार्ड एरिया में सर्विस देते हैं अपनी तो हार्ड एरिया का आपको सत्रह हजार तीन सौ पर मंथ ये आपका ऐड होता है ये आपका पर मंथ रहता है लेकिन अगर आप हार्ड एरियाज जो बटालियन वगैरह है एरिया हार्ड है वहां पर अगर आप अपनी जॉब ले देते हैं नौकरी कर रहे हैं आप उस टाइम आपको ये दिया जाएगा अगर आप जैसे मैंने अभी आपको सैलरी बताई अगर आप जीसी या कोई अच्छी सिटी में है तो आपको उस हिसाब से ये हार्ड एरिया अलाउंस आपको यानी रिस्क अलाउंस आपको ये मिलता है ओके सो so, मैंने आपको सी आर पी एफ सी एम सैलरी को लेकर के सारे आपके स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आशा करती हूँ कि आपको ये अब आप समझ भी आ गया होगा सी आर पी एफ एस सी एम पोस्ट पर आपको इनहेंड सैलरी स्टार्टिंग में आपको कितनी मिलने वाली है सैंतीस हज़ार पाँच सौ पचपन ओके okay? सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया थर्टी फर्स्ट जनवरी लास्ट डेट है अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी भी आपके पास मौका है अप्लाई कर दीजिएगा ट्वेल्थ पास के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सैलरी भी अच्छी खासी है ग्रुप सी की पोस्ट है ऑफिस वर्क आपको करना होगा मेल फीमेल सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे सो थैंक यू सो मच